नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, हमें कुछ सर्किट ऐसे बनाने होते हैं अपने हिसाब से कि हमारा जो काम है वो थोड़ा आसान हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक मल्टीमीटर के अंदर यहाँ पर ब्लूटूथ किट लगा रखी है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि यहाँ पर मैंने जो हमारा ब्लूटूथ किट है उसमें ऑक्स लगा रखा है। जैसे कि हमारे पास कोई ऐसा एम्पलीफायर आ जाता है जिसके अंदर ब्लूटूथ नहीं है, ओनली ऑक्स है, तो हम यहाँ पर इस किट से उसको चेक कर सकते हैं और मोबाइल से ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं। इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो इसको जब मैंने बनाया था, इसका पूरा वीडियो डाला था मैंने, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसे देख सकते हैं। और इसको ऑन करने के बाद जो है, यहाँ पर USB लगा के, ऑक्स लगा के आप कोई भी एम्पलीफायर को चला सकते हैं ब्लूटूथ में कन्वर्ट करके। तो ये मैंने बनाया था इसलिए क्योंकि कभी कभी बहुत सारे होम थिएटर या एम्पलीफायर आते हैं हमारे पास जिसके अंदर ब्लूटूथ नहीं होता है, तो उसको टेस्टिंग के लिए बनाया था मैंने ये। तो ये देखिए, ये मल्टीमीटर मेरे पे ख़राब हो गया था, तो मैंने सोचा इसको ख़राब मल्टीमीटर के अंदर ब्लूटूथ किट लगा देते हैं, इससे ये बढ़िया हो जाएगा और हमारे यूज में भी आता रहेगा। और दूसरा जो है, मैंने ये एक सेटअप बॉक्स बनाया था छतरी सेटिंग करने के लिए। इसके अंदर हमने क्या करा है कि बैटरी को लगा दिया BMS लगा के 12 वोल्ट की। अब इससे जो है, हम कहीं पर भी डिश सेट करने जाते हैं तो हमें वहाँ लाइट की ज़रूरत नहीं होती, और इससे हम बड़े ही आसान तरीके से कोई भी डिश को सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी डाल देते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर देखा हुआ है कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी पर कौन सा सेट हो जाता है। तो यहाँ पर हम फ्री वाला, तो इसमें कार्ड लगा हुआ है तो फ्री सेट हो जाता है। फिर यहाँ पर वीडियो कौन है, टाटा स्काई है, एयरटेल है, डिश TV है। तो यहाँ पर इससे प्रॉपर तो सेट नहीं हो पाता, वो तो हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आप जो डिश सेटिंग की मशीन ले लेते हैं, सॉलिड वगैरह की जो आती है, उससे बढ़िया सेटिंग हो जाता है। लेकिन इससे फ्री वाला सेट हो जाता है, मैं इसको ऑन करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए, तो इससे ये फ़ायदा है कि आप जो है बिना लाइट के कहीं पर भी कोई भी डिश सेटिंग की अगर कंप्लेंट आती है तो बड़े ही आसान से कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर तीसरा मैं दिखाता हूँ। देखिए, जब हम कभी भी किसी को रिमोट को सेल करते हैं या बेचते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक रिमोट टेस्टर बनाया था एक मोबाइल चार्जर के अंदर। ये देखिए, ये मोबाइल चार्जर के अंदर मैंने रिमोट टेस्टर बनाया था, इसको भी मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो देखिए, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें मार्केट में नहीं मिलती, तो हमें वहाँ पर क्या करना होता है, अपने हिसाब से उनको जो है खुद डिजाइन करना पड़ता है, बनाना पड़ता है अपने काम को थोड़ा आसान करने के लिए। तो दोस्तों, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को जरूर दबाना। और अगर इन कंपोनेंट से, सर्किटों से जुड़ी हुई कोई वीडियो आपको देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप इनका वीडियो देख सकते हैं।